सियासत में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेबाक होते हैं, जो अपनी बात रखने के लिए कोई भी मंच इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि लोग ये कहते हैं कि भाई पार्टी फोरम पर बात करिए। लेकिन जब पार्टी फोरम पर लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है तो जनता के बीच बात होती है, मीडिया के बीच भी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी भले ही केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार में है, वो चला रही है, लेकिन उसके बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके बहुत सारे बयान सरकारों के फैसलों की आलोचना की तरह होती है, और ये माना जा रहा है कि अब जब लोकसभा चुनाव एकदम करीब है तो बीजेपी अपने कुछ सांसदों पर कार्रवाई कर सकती है। यानी कि उसका मूड कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों के वो टिकट काट सकती है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये बागी हो गए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं वो निष्पक्ष हैं और ईमानदार हैं, बढ़िया बोलते हैं, जनता की बात रखते हैं। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी अपने कई विद्रोही, बागी, बेलौस, बेबाक सांसदों पर कार्रवाई कर सकती है, यानी कि उनका टिकट काट सकती है। हालांकि इसमें स्पष्टता नहीं है, लेकिन चर्चा है। बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की तैयारियों में जुटी हुई है, और अगर टिकट काटने के मामले में वो कोई कड़ा कदम उठाती है तो उसके निशाने पर, उसके टारगेट पर ऐसे कौन से लोग होंगे? लगभग एक दर्जन भी हो सकते हैं, आधा दर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन दो चार नाम हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बदायूं की जो सांसद हैं संघमित्रा मौर्या, वो हैं तो बीजेपी में, लेकिन उनके पिता के नाते उनके टिकट पर कभी तलवार, कभी कैंची, कभी कुल्हाड़ी, कभी आरा, ये चलने की बात चर्चा में आती रहती है। सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्या जिस तरह से बीजेपी पर और सामाजिक मुद्दों पर इसमें हमलावर हैं, खुलासे कर रहे हैं, और उनके हर बयान विवाद बन रहा है, आग लग रही, बवाल मच रहा है, ऐसे में उनकी बेटी संघमित्रा, उनका बीजेपी के टिकट का समीकरण गड़बड़ा सकता है। दूसरी ओर ये भी लोग चर्चा करते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत अगर भाजपा टिकट नहीं देती संघमित्रा को तो वो उससे ले आएंगी, और उनको एटा तक से भी कहा जा रहा है कि टिकट दे सकता है इंडिया गठबंधन। अब इसमें सच्चाई क्या है अभी इस पर खुलासा नहीं है। दूसरी ओर चलें तो माँ बेटा यानी कि सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, इनको लोग ये कहते हैं कि इनसे भाजपा नेतृत्व नाराज है, क्योंकि वरुण गांधी कई बार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, वो परवाह नहीं करते कि इससे किसको क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा। लखीमपुर में जब जीप वाली घटना हुई, किसानों की मौत हुई, उसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ खुलेआम बोला, मोर्चा खोल दिया, तमाम सारी भर्तियों पर वरुण गांधी बोलते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि बीजेपी को ये सब रास तो आता नहीं होगा, पसंद करने वाले लोग कम हैं, कुछ उनके प्रशंसक भी हैं पार्टी में, ऐसा नहीं है, को अंदर अंदर ये कहते हैं कोई तो बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वही झेलता भी है। अब वरुण की वजह से उनकी माँ सांसद है सुल्तानपुर से मेनका गांधी, उनके टिकट को भी लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। लेकिन ये सब बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, क्या बीजेपी इतना हिम्मत दिखा पाएगी? और अगर इन लोगों के टिकट कटते हैं तो भविष्य के राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे? क्या इंडिया गठबंधन की ओर वो देखेंगे या कोई और पार्टी की ओर जाएंगे, जैसे कांग्रेस है उनकी मूल पार्टी रही है। राहुल और प्रियंका की सक्रियता के बाद वरुण को लेकर बहुत सारी बातें भी होती हैं, अभी तक उन सब चीज़ों पर कोई स्पष्टता नहीं आई है, अभी पर्दा पड़ा हुआ है, हो सकता है कि ये लोकसभा चुनाव उस तस्वीर को साफ करें। आगे बढ़ते हैं, उसमें एक नाम और आता है इलाहाबाद से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा का। लोग कहते हैं कि इनका भी टिकट खतरे में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले इनके बेटे मयंक ने अखिलेश यादव का दामन थाम लिया था, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यानी कि आप देखिए कि माँ किसी और दल में है, बेटा किसी और दल में है, बेटी किसी और दल में है, पिता किसी और दल में है। अब समाज में, सियासत में ऐसी तस्वीरें हम पहले भी देखते रहे हैं, लेकिन अब इनका
देखना बहुत आम हो गया है और बड़ी अजीब अजीब स्थितियां हैं और दोनों रहते एक ही घर में हैं और दोनों का मिलना जुलना है। तो ये सियासत का एक नया चलन है, एक नया रंग है।